तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस हम जानने वाले हैं कि यहाँ पर कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर दोस्तों इसमें हम बेसिकली क्या लगाएंगे और क्या चीज़ लगा सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर ड्राइवर यूनिट हमें चलाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आहूजा का 50 वाट का ड्राइवर यूनिट, मैंने एक इमेज यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आहूजा का ड्राइवर यूनिट है, तो इसको हम किस में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉमन 70 वोल्ट में लगाएंगे या फिर 100 वोल्ट में लगाएंगे, तो दोनों में से किस में लगाना है, तो ये सारी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल में नया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दोस्तों बात आती है यहाँ पर, आप पहले तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका ड्राइवर यूनिट 70 वोल्ट का है या फिर 100 वोल्ट का है या फिर यहाँ पर 16 ओम का है। तो ये आपका जो है ड्राइवर यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपका ड्राइवर यूनिट किस टाइप से है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आहूजा का AU5060 का मॉडल यहाँ पर ड्राइवर यूनिट आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर यूनिट विथ 100 वोल्ट ट्रांसफार्मर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको हमें चलाना है 100 वोल्ट में, जैसे कि यहाँ पर कॉमन में ब्लैक वायर लगाएंगे और 100 वोल्ट में हम रेड वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर कॉमन 100 वोल्ट में हम चलाएंगे, तो ये हो गया। अगर आपके पास यहाँ पर 70 वोल्ट ट्रांसफार्मर वाला है तो यहाँ पर आप कॉमन 70 वोल्ट में लगा सकते हैं, कॉमन में आप ब्लैक और 70 वोल्ट में आप रेड लगा सकते हैं। दोस्तों बात आती है ऊपर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन 2 ओम 4 ओम और यहाँ पर 8 ओम्स भी रहता है, 16 ओम भी रहता है। छोटे एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, बड़े एम्पलीफायर में खासकर यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन कोई कोई एम्पलीफायर में 8 ओम का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आपको अगर छोटा एम्पलीफायर आपके पास है तो यहाँ पर 16 ओम का ऑप्शन रहेगा, 8 ओम का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पर 4 ओम्स का ऑप्शन रहेगा, 2 ओम का ऑप्शन नहीं होता है छोटे एम्पलीफायर में, कोई कोई एम्पलीफायर में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास ओम्स वाला है, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 4 ओम है लिखा हुआ, उसी टाइप से आपका ट्रांसफर, मतलब कि यहाँ पर ड्राइवर यूनिट में, तो यहाँ पर आपका ड्राइवर यूनिट में आपका 16 ओम लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर 4 ओम लिखा हुआ है उसी टाइप से आपका यहाँ पर 16 ओम लिखा होगा। तो उसको आपको चलाना है कॉमन में, लगाना है ब्लैक और यहाँ पर छोटे एम्पलीफायर में रहेगा 16 ओम का ऑप्शन, तो उसको आपको 16 ओम में लगाना है, जो कि एक ड्राइवर यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको दो ड्राइवर यूनिट लगाना है तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में आप करेंगे तो उसको 8 ओम्स में लगाइएगा, ब्लैक में कॉमन और रेड में 8 ओम्स, अगर दो चलाते हैं तो। अगर वही 4 ड्राइवर यूनिट चलाते हैं 16 ओम वाले, तो यहाँ पर आपको लगाना है 4 ओम में, जैसे कि यहाँ पर 8 ओम और 8 ओम का पैरेलल करते हैं तो यहाँ पर आपका 4 ओम लोड हो जाता है, तो इस 4 ओम में आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थे कि यहाँ पर कॉमन 2 ओम 4 ओम 8 ओम 16 ओम किस में लगाएंगे ड्राइवर यूनिट को, और यहाँ पर कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट किस में लगाना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका ड्राइवर यूनिट के हिसाब से, अगर आपका ड्राइवर यूनिट 100 वोल्ट लाइन वाला है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लाइन में लगा सकते हैं कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट में, और अगर यहाँ पर ओम्स वाला है तो कॉमन 2 ओम 4 ओम और यहाँ पर 16 ओम जो जिसमें लगाना है उसमें आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था कि यहाँ पर यूनिट जो है ड्राइवर यूनिट उसको किस में लगाना है। बहुत सारे भाई लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि किस में लगाएं किस में लगाएं, तो थोड़ा सा क्या है ड्राइवर यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा होगा 100 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट लिखा होगा तो यहाँ पर आप कॉमन 100 वोल्ट में लगा के आराम से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अभी तक चैनल में नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब करिए और ऑल में नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो जो जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।